हाय गाइस, श्रुति की रसोई में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, मशरूम खाना तो सभी को पसंद होगा, मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे घर पे भी सभी को पसंद है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मशरूम मसाला की रेसिपी, वो भी मेरी मम्मी के स्टाइल में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मम्मी के स्टाइल में मसाला मशरूम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मशरूम के 3 पैकेट ले लिए हैं। अब इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे हम। अब यहाँ पर मैंने मशरूम को अच्छे से वॉश कर लिया है और इन्हें जो बड़े बड़े मशरूम थे उसे मैंने भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है इस तरीके से। और अब यहाँ पर मैंने 6 मीडियम साइज के प्याज को कट कर लिया है बड़े बड़े पीसेस में। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई बिठा लिया है। कढ़ाई गर्म हो जाने पे इसमें अब हम 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने पे इसमें अब हम 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। 1 यहाँ पे सूखी लाल मिर्च, 4 यहाँ पे हम तेज पत्ता डालेंगे, 1 छोटी इलायची, 1 जीरा। हमारा अच्छे से चटक चुका है तो इसमें हम प्याज डालेंगे। मसालों के लिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जीरा ले लिया है, 1/2 चम्मच यहाँ पे मैंने काली मिर्च लिया है, 4 यहाँ पे मैंने छोटी इलायची लिया है, 4 यहाँ पे मैंने लौंग लिया है, छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 2 पॉट यहाँ पे मैंने लहसुन का लिया है, 5 यहाँ पे मैंने सूखी लाल मिर्च लिया है। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। अब यहाँ पे हम मशरूम को चेक करेंगे तो मशरूम हमारा अब अच्छे से गलने लगा है। अब इसमें हम 1 मीडियम साइज का टमाटर को कट करके डाल देंगे। और अब इसमें हम जो हमने मसाला तैयार किया था उसे हम डाल देंगे। इन्हें हम थोड़ी देर लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए इन्हें हम पकने देंगे जब तक कि इसमें से ये पानी ना सोख जाए। अब 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद इसको हल्दी पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे।
चावल को अच्छे से पक गए। अब हमारा मिक्सी अच्छे से भून चुका है, पानी ऐड करेंगे। तो लगभग यहाँ पे हम एक कप पानी ऐड करेंगे। थोड़ी देर पका लेने के बाद हमारा मसाला मशरूम बनकर रेडी है। अब इसमें हम थोड़े से धनिया के पत्ते छिड़क लेंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हमारी मम्मी के स्टाइल में मसाला मशरूम बनकर रेडी है।